नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। 2024 के चुनाव में सभी खुश ही खुश भैया, यह भी खुश वह भी खुश, यानी कि सब खुश खुश खुश। इस चुनाव में जहां खटाखट टकाटक चल रहा था, चुनाव नतीजे ने सभी को खुश 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 कर दिया, जिस कारण सोशल मीडिया में कल से खूब मीम वायरल हो रहे हैं। बीजेपी खुश है कि फिर तीसरी बार एनडीए की सरकार बना रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में क्लीन स्वीप कर दिया, उड़ीसा में सरकार बना दी है, हल्के में न लें क्योंकि केरल में हमने पहली बार खाता भी खोल दिया है। तो कांग्रेस इसलिए खुश है कि उसने इस बार 99 का आंकड़ा छू लिया है। हमने मोदी योगी के यूपी में खेला कर दिया भैया, यहाँ तक कि हमने अयोध्या के जिस स्थान में बीजेपी ने राम का मंदिर बनाया वह भी सीट जो है छीन ली है। वैसे अयोध्या सीट पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि अयोध्या वासियों को विकास पसंद नहीं आया, जहां नरेंद्र मोदी सरकार ने अयोध्या की काया ही पलट दी, वहां से बीजेपी का हारना हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन अब लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि जिस बीजेपी ने सालों से राम मंदिर के नाम पर सरकार बनाई, लेकिन इस बार राम मंदिर बनाने के बाद उसे सरकार बनाने में परेशानी कैसे हुई? आखिर अयोध्या की जनता ने बीजेपी का साथ क्यों नहीं दिया? राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या की जनता क्यों खुश नहीं है? क्या अयोध्या की जनता को राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं रहा? जिस बीजेपी ने अयोध्या में विकास की नई गाथा लिख दी हो, वहां फिर भाजपा कैसे हार सकती है? वहीं इस बार बंगाल में ममता बनर्जी ने भी खूब बवाल काटा। बीजेपी उम्मीद लगा रही थी कि हम बंगाल को फतह कर लेंगे, लेकिन बीजेपी की उम्मीद वहां समाप्त हो गई। कांग्रेस के लोग इस बात से भी खुश हैं कि भाजपा की फायर ब्रिगेड नेता स्मृति ईरानी को भी वापस मुंबई भेज दिया है। भैया अभी खुश मत हो, बैक डोर भी होता है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का असर हुआ है, लोगों ने कांग्रेस के साथ न्याय करते हुए 99 सीट दे दी। वहीं अखिलेश भैया खुश है कि हमने यूपी में खेला कर दिया, हम देश की तीसरी नंबर की पार्टी बन गए हैं और यूपी में नंबर वन। और सपा के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली जाने का रास्ता तो लखनऊ से ही होते हुए जाता है। मजे की बात तो यह है कि इस चुनाव में जनता भी बड़ी खुश है। जनता कह रही है कि हमने जिसे वोट दिया उसने कमाल कर दिया, यानी कि पूरा देश खटाखट फटाफट टकाटक के बाद अब खुश 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 व्यस्त है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े चुनावी पर्व में कल का दिन हमेशा याद रहेगा। 400 पार का नारा लगा रही भाजपा को चुनाव परिणाम में केवल 240 सीट ही मिल पाई। इस चुनाव परिणाम में एनडीए को 292 सीटों पर खुश होना पड़ा है, वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर ही जीत मिल गई। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता इतने खुश हैं कि जैसे इन्होंने देश में सरकार ही बना ली हो। फैसले की इस घड़ी में मौजूदा सरकार के साथ उनके मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला हार के साथ हुआ। एग्जिट पोल में एनडीए को 400 सीटों का अनुमान लगाया गया था, हालांकि चुनाव परिणाम में एनडीए को 292 सीटों पर जीत मिली, वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की है, समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली है, टीएमसी ने 29 सीटों पर सफलता हासिल की है। वैसे बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और ग्रामीण क्षेत्रों में उसे अच्छी खासी संख्या में वोट मिले हैं। दिल्ली में भाजपा ने अपना गढ़ बरकरार रखा है, वहीं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। भाजपा के अकेले दम पर बहुमत हासिल करने से चूक जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू के हाथ में सरकार की चाबी आ गई है। आखिर बीजेपी को पूर्ण समर्थन क्यों नहीं मिला? जानते हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरे चुनाव में लगभग हर राज्य में युवा बेरोजगारी की बात करते रहे और सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर बेरोजगारी को गिनाते रहे, जिसकी नब्ज कांग्रेस ने पकड़ ली। दूसरा कारण, जब से सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ लागू हुई, तब से युवाओं के बीच इसका विरोध हुआ। चुनाव में भी बहुत अहम मुद्दा बना, युवाओं में इसे लेकर नाराजगी थी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया वह सरकार में आएंगे तो इस स्कीम को खत्म कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू करेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि अग्निवीर की आग ने भी बीजेपी के कमल को झुलसाया है। तीसरा कारण, बीजेपी में कई जगह उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठे। हर राज्य में अलग मुद्दों पर वोटिंग हुई और कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा हावी नहीं रहा। राम मंदिर को लेकर लगातार बयानबाजी से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। कुछ बीजेपी नेताओं ने संविधान बदलने की बात कहने के बाद विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और कहा कि ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और लोगों के मन में भी शक पैदा हुआ। देश में भले ही एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही हो, लेकिन
बात अब शायद पहले जैसी नहीं होगी। अब पीएम मोदी के सामने कई बड़े चैलेंज होंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता का मूड पता चल चुका है। एनडीए अगर बीजेपी कर रहे तो उसको सिर्फ 240 सीटें मिली है जबकि उम्मीद 300 पार की थी। बीजेपी के पास अब बहुमत नहीं है, ऐसे में एनडीए के सारे सरकार बन तो जाएगी लेकिन अब चुनौती भी काफी बढ़ गई है। कामकाजी फैसले लेते समय बीजेपी को सहयोगी दलों का भी ख्याल रखना होगा। बीजेपी के सहयोगी दलों की विचारधारा उससे अलग है। कई मुद्दों को लेकर सहयोगी दलों और बीजेपी के बीच सोच का काफी अंतर है। यही वजह है कि कॉमन सिविल कोड पर मोदी सरकार को थोड़ा थमकर कदम बढ़ाने होंगे। सीटों के इस झटके के बाद अब बीजेपी को पार्टी संगठन में भी बदलाव की ओर सोचना पड़ सकता है। लगता है आने वाले दिनों में पार्टी रीस्टार्ट के मूड में दिखाई दे सकती है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि देश की जनता ने इस बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया जिसके कारण इस बार की सरकार में कड़े फैसले लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जनता का जो भी मूड था उसने देश को बता दिया है। हम इस चुनाव के अनेक विषयों पर बात करते रहेंगे, इसलिए आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।